हेलो वॉन्डर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मुकुल, AKA वॉन्डर फूडी। आज की हमारी वीडियो होने वाली है दिल्ली टू राजस्थान। ये हमारी वीकेंड स्पेशल 2 डे छोटी सी प्यारी सी ट्रिप है जो आपको मैं इस व्लॉग के जरिए दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो अभी बज रहे हैं 11:40। अब जल्दी से अपनी पैकिंग ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद विल गो टू बेड बिकॉज थोड़ी बहुत नींद पूरी करनी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा क्योंकि वहाँ का मौसम इज़ अनप्रडिक्टेबल। हम कहाँ कहाँ जाएंगे और हमारे साथ कौन कौन है ये मैं बताऊंगा आपको सुबह। टिल देन गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हो गया हूँ रेडी, अभी बज रहे हैं 3:42। बाहर हो रही है बारिश जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सुबह 2 बजे से हो रही है बारिश। सो हम निकल चुके हैं घर से मेरे। अब हम जाएंगे गाड़ी में, थोड़ा सा तेल डलवाएंगे, फिर उसके बाद हमारे फर्स्ट पिकअप पॉइंट पे जाएंगे जो कि है यश भैया का घर। वहाँ से यश भैया को पिक करेंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे पीतमपुरा जो हमारा डिपार्चर पॉइंट है। और आज की इस ट्रिप में हम कवर करेंगे खाटू श्याम मंदिर और सालासर बालाजी, फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे की ट्रिप होगी जयपुर के लिए। तो ये हमारी आइटनरी है इस पूरी ट्रिप की। अभी चलते हैं, तेल डलवाते हैं, फिर यश भैया को पिक करते हैं। लेट्स गो। पेट्रोल पंप बंद है तो हम जा रहे हैं हम सीधा यश भैया के यहाँ उनको पिक करने। ऑलराइट, वेलकम बैक। हम पहुंच गए हैं अपने फर्स्ट पिकअप पॉइंट पे। यश भैया के घर के पास हम खड़े हैं। बाहर बारिश हो रही है, यश भैया को मैंने फ़ोन करा है, वो आ रहे हैं। अभी यश भैया आएंगे, फिर हम जाएंगे पीतमपुरा जो कि है हमारा डिपार्चर पॉइंट। वहाँ पे हम मिलेंगे ईशान भैया से, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। वहाँ से हम जाएंगे खाटू श्याम मंदिर, फिर उसके बाद सालासर बालाजी, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट डे जाएंगे हम जयपुर। जस्ट अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अभी ईशान भैया की कॉल आई थी। तो हम तीन नहीं, हम 4 लोग जा रहे हैं और फोर्थ पर्सन है रचित। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और मेरे साथ हैं यश भैया, हमने यश भैया को पिक कर लिया है। अब हम पिक करेंगे रचित को, जिनका मैं ये बता रहा था। तो अभी वो आते हैं, फिर उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, फिर हम जाएंगे सीधा पीतमपुरा। हेलो गाइज, हमारे फोर्थ पैसेंजर आ गए हैं और वो हैं रचित। अब हम निकलेंगे यहाँ से पीतमपुरा के लिए, वहाँ मिलेंगे हम ईशान भैया से। लेट्स गो। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और हम आ चुके हैं हमारे डिपार्चर पॉइंट पे पीतमपुरा। हम आ गए ईशान भैया के घर पे। अब मैं आपको मिलवाऊंगा ईशान भैया से। हाय। पीतमपुरा पार कर फिर गुड़गांव से निकलते ही मौसम ने बदली करवट और छा गई बादलों की घनी चादर, फिर मौसम को सुहाना करने वाली बारिश के साथ हमारा सफर शुरू हुआ। ऑल राइट गाइज, ये है हमारा सबसे पहला स्टॉप। अब यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हाईवे किंग की इस प्रॉपर्टी पे आपको काफी आउटलेट्स भी मिलेंगे जहाँ आप ऑन स्पॉट शॉपिंग भी कर सकते हो। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है हाईवे किंग, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, सबसे ज्यादा चलता है यहाँ पे। अंदर काफी कुछ देखने को मिलेगा आपको, काफी आउटलेट्स जैसे बास्किन रॉबिन्स, प्लस इट्स नाइस एंड स्पेशियस। हमने यहाँ
ऑर्डर करे आलू प्याज के पराठे जो बहुत टेस्टी थे और अच्छे से फिल करे हुए थे। नेक्स्ट हमने ऑर्डर करे छोले भटूरे, छोले अच्छे मसालेदार थे जिनका टेस्ट काफी अच्छा था। नेक्स्ट हमारी लस्सी जिसको रूबजा डाल के उन्होंने सत्यानाश करा हुआ था। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने ऑर्डर करा ग्रिल्ड सैंडविच जो की काफी एवरेज था। देख रहे हो लोकेशन हो तो ऐसे हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। राजस्थान में एंट्री लेते ही हम अपनी मंजिल से थोड़े ही दूर थे। इन नजारों ने मेरा दिल जीत लिया। आसमान में बादलों की घटा और जमीन पर राजस्थान के छोटे हरे भरे पहाड़, कौन कहता है यहाँ देखने को कुछ नहीं। सुंदरता देखने वालों की नजरों में होती है। बादलों से घिरे पहाड़, हरे भरे नजारे और अपनों का साथ, यही तो इस सफर की सुंदरता है दोस्तों। चलिए हम अपनी पहली मंजिल पर पहुंच गए। अडुशा मंदिर जाने के लिए 1 किलोमीटर पहले ही गाड़ी खड़ी कर हम ई रिक्शा से पहुंचे मंदिर के द्वार तक। यहाँ पे काफी कुछ चेंज करा गया है, जैसे ये डिवीजन जो कि पहले जिगजैग हुआ करता था अब स्ट्रेट लाइंस में कर दिया गया है ताकि भक्तों के लिए दर्शन आसानी से हो जाए और किसी को परेशानी में ना हो। लेकिन इधर उधर अपनी लाई हुई चीज़ें मत फेंको, अच्छा नहीं लगता, डस्टबिन यूज़ करो। यह लीजिए, दर्शन करिए, मत्था टेकिए। दर्शन करने के बाद हमने खाए अगरसेन मिष्ठान भंडार की कड़ी कचौड़ी। टाइम से निकल के हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। रास्ता बिल्कुल साफ और अच्छा हो रहा था तो हमने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी। सुंदर नजारे दिखने शुरू ही हुए थे कि तभी बारिश का कहर हम पे पड़ा। और अगले ही पल पानी की एक बूंद आपको नहीं दिखेगी, जैसे यहाँ बारिश हुई नहीं थी। बदलते मौसम के साथ हम पहुंच गए अपनी दूसरी मंजिल पर, सालासर। और यहाँ का रास्ता काफी साफ और अच्छा था, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और सीधी सड़क। ये लीजिए, हम पहुंच गए सालासर बालाजी मंदिर। दर्शन करने के लिए यहाँ से हम जाएंगे अंदर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो हमने भी डेस्टिनेशन कवर करी, खाटू श्याम मंदिर और सालासर बालाजी मंदिर, दोनों में ही हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। बस अभी रश के चलते उन्होंने रूट डाइवर्ट कर रखे अंदर ही अंदर, विच इज़ रियली गुड। बहुत आसानी से दर्शन हो गए, कोई दिक्कत नहीं। बेशक थोड़ा बहुत रश है बट हाँ, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से रुक रुक के दर्शन हो गए सबके इन टाइम, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और मैं बात करूँ अगर मौसम की, मौसम देख रहे हो,
रास्ते के मौसम की बात करूँ तो वो थोड़ा अलग है। थोड़ी देर बारिश होगी, थोड़ी देर धूप आएगी, फिर हवा चलेगी, फिर तुम्हें लगेगा नहीं कि गाड़ी पर बारिश हुई थी। अब ये अंकल मेरे को धप्पा कर देते पीछे से, तो चलो रहने देते हैं। अब हम जा रहे हैं डिनर करने, फिर डिनर करके हम निकलेंगे जयपुर के लिए आज ही रात को, फिर हम जयपुर में स्टे करेंगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जयपुर। सो यहाँ का खाना वॉज नॉट सो गुड, बट ठीक है, हम निकल गए अपने सफ़र को जारी रखने अपनी अगली मंजिल की ओर, जो कि हमसे 3 घंटे की ड्राइव की दूरी पे थी। थोड़ी देर में ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। तेज बारिश ने हमारे आगे चलते जाने के डिसीजन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। धीरे धीरे बारिश और तेज हो गई और उतनी ही कम होती गई हमारी विजिबिलिटी। वेल कनेक्टेड रोड होने के बाद भी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थी। फिर हमने रुककर पोटैटो ट्रीटमेंट करा, जो कि यश भैया का आइडिया था, जिसने हमारी काफी हेल्प करी और हमारी गाड़ी के ग्लासेस को फॉगी होने से काफी देर तक रोके रखा। थोड़ा और आगे बढ़ते ही हमें सेकंड कोटिंग की नीड पड़ गई, तो इस बार हमने यूज़ करा द माइटी टूथपेस्ट, जो कि एक लॉन्ग रन सॉल्यूशन बना रहा। फाइनली हम जयपुर पहुंच गए। रात होने के बाद भी सिटी इतनी प्यारी लग रही थी कि क्या बताऊं। ऑलमोस्ट हर जगह बुक होने के बाद हमारा स्टे बना डोडास पैलेस। तो ये है हमारा आज रात का स्टे, जो कि काफ़ी डिसेंट है अकॉर्डिंग टू अमाउंट। तो यहाँ समाप्त करते हैं हमारा पार्ट 1, तो मिलते हैं हम पार्ट 2 में। टिल देन गुड नाइट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।